Yes or no? Wonderful, yes. Can I have the videos on, please? The cameras on. Because there are quite a few, a lot of participants of here, whose cameras are switched off. So if we could please have the cameras on. Thank you so much, ma'am. Veena, ma'am, yes. Can I have your camera switched on? Srinivas, sir. Sabita, ma'am. Waiting for you. ji, please have your camera switch on. Yes. Because कैसे स्वामी जी यहाँ पर लाइव होते हैं और फिर जब आपके कैमराज स्विचड ऑफ होते हैं तो कैसे ब्लैकबोर्ड से बातें करनी पड़ती है जो किसी को भी पसंद नहीं है सो प्लीज प्लीज ट्राई टू कीप य स्विच ऑन थ्रू आउट द सेशन ओके जस्ट होल्ड ऑन गिवी लेटमी स्वामीजीड जस्ट वन मिनट Swamiji is joined in. Just give me a sec. I will be spotlighting him shortly. Yes. Namaste Swamiji. ओके okay. प्रैक्टिस चल रहा है एवरीबडी डूइंग प्रैक्टिस चल रहा है नहीं चल रहा कभी कभी चल रहा है क्या चल रहा है व्हाट इज हैपनिंग कभी कभी चल रहा है है ना एवरीडे ओ दैट्स गुड क्या होता है कि जो आपकी प्रैक्टिस है ना ये आपको एवरीडे अलाइन करने का एक तरीका अच्छा मुझे एक बात बताइए टेल मी वन थिंग फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी जीवित प्राणी का ऊर्जा प्रवाह किस तरफ होता है उसकी एनर्जी कहां बहती है कहा बहती है? अनेबल टू सी हेमलता, यू कैन यूज ऑडियो आप ऑडियो यूज करके कर लीजिए कोई इशू नहीं सो योर एनर्जी ऑलवेज फ्लोज डाउन एंड आउटवर्ड्स झरना देखा है ना झरना पानी नीचे की ओर बहता है और फैल जाता है इट जस्ट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड योर एनर्जी ऑलवेज गोज डाउन एंड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट ऑलवेज गोज आउट ऑफ योर बॉडी तो वेन यू डू एनी काइंड ऑफ वर्क जब आप कोई भी काम करते हैं सो देर इज एन आउटवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी एंड बिकॉज यू मेक एफर्ट क्योंकि आप जोर लगाते हैं कोई भी काम करने में देर इज अ डिविएशन इन द फ्लो ऑफ एनर्जी जो प्रवाह है उसका वो बिखर जाता है, है कि नहीं झरने का प्रवाह बिखरता है ना ज समथिंग आर इंसिस्टर्स एक्चुअली ऑब्जर्वड हमारे पूर्वजों ने इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया नाव व्हाट इज दैट दैट व्हाट इज दैट एक्ट कौन सा ऐसा एक्ट है कौन सा ऐसा एक्शन है व्हाट इज दैट एक्ट विच कंसोलिडेट दिस डीविएशन जो कि इकट्ठा करता है इस फैलाव को वो क्या चीज करते हैं आप जिससे ये प्रवाह जो फैलाव है इकट्ठा होता है गेट्स इंटीग्रेटेड वॉट इज एक्ट दैट इज बेसिकली डीप स्लीप गहरा गहरी नींद वेन यू स्लीप डीप जब आप गहरी नींद लेते हैं

सपोज यू हैव टू डू इट मान लीजिए आपको करना है हाउ विट कैसे करेंगे बाई द इवनिंग बाय इवनिंग अराइजेस योर होल एनर्जी इज डिस्ट्रेक्टेड आपकी पूरी ऊर्जा का स्खलन हो चुका है फैलाव हो चुका है शाम आते आते अब आपको इकट्ठा करना है इकट्ठा करना है तो कैसे करेंगे अगर आपको अपनी एनर्जी को एक जगह रोक के रखना है व्हाट विल यू डू सो मेडिटेशन इज नॉट डूइंग एनीथिंग प्लीज अंडरस्टैंड मेडिटेशन मेडिटेशन का मतलब होता है आप कुछ ना करो आई एम टेलिंग यू एन एक्ट टू कंसोलिडेट योर एनर्जी मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसा कौन सा एक्शन लेंगे आप कि आप ऊर्जा को इकट्ठा करें सो दैट इज कुंभक नाउ देर आर अदर वेस्ट टू डू इट विच आर नॉट एज पावरफुल एज कुंभक अलग अलग तरीके भी हैं इसको करने के मगर वो कुंभक जैसे पावरफुल नहीं तो क्या है वॉट आर दो अदर थिंग्स योगा वी विल नॉट टॉक अबाउट योगा योगा फंडामेंटली मीन्स गोइंग टुवर्ड्स मुक्ति मोक्ष समाधि की तरफ में जाना है ना तो योगा आपको कंसोलिडेट एनर्जी को करेगा मगर वो धक्का कहाँ देगा वेर विल इट पुश यू टुवर्ड्स मुक्ति मोक्ष समाधि वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग अ लाइफ हम जीवन जीने की बात कर रहे हैं नॉट मुक्ति मोक्ष समाधि वी डों वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनलाइटेनमेंट एनलाइटेनमेंट इज जस्ट लाइक डिवोर्स यू नो डिवोर्स मतलब आप साथ में रह लिया बहुत परेशान हो गए अब चलो अलग अलग करते हैं डू यू रियली वॉन्ट टू गो आउट ऑफ लाइफ डोंट वॉन्ट टू लिव लाइफ यू वॉन्ट टू लिव लाइफ इज एन डे तो अभी हम उसके डिवोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे योगा के बारे में बात नहीं करेंगे गोइंग आउट ऑफ लाइफ इज योगा वील नॉट टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी उसके बारे में बात नहीं कर भूखे भजन न हो गोपाला ले लो अपनी कंठी माला स्पिरिचुअलिटी <laughs> a लिटिल कंट्रोल ओवर योर लाइफ जब आपका जीवन आपके हाथ में आ जाएगा स्पिरिचुअलिटी की चिंता नहीं करनी डोंट वरी अबाउट स्पिरिचुअलिटी हैपन ऑन सोन स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अगेंस्ट लाइफ जीवन जब आप अच्छे से जिएंगे स्पिरिचुअलिटी अपने आप होगा इफ यू लिव लाइफ फुली स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली डेस्टिनेशन सो थिंक अबाउट लिविंग लाइफ प्रॉपरली स्पिरिचुअलिटी विल है डोंट यू वन हैउट योगाव टू टॉक अबाउट हाउ टू लिव लाइफ बेटर जीवन अच्छे से कैसे जिए एम्पावर कैसे करें अपने आप को बाकी काम अपने आप हो जाते यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट डेथ डू यू थिंक अबाउट डेथ हाउ प्रिपेयर फॉर डेथ हैव यू हर्ड अबाउट एनी डेथ स्कूल जहां डेथ मरना सिखाते हैं बिकॉज डेथ इज सुपर इफेक्टिव सुपर एफिशियंट when it happens nobody can stop it you should not talk about death not necessary it will happen on its own you should talk about life spirituality is death it will happen on its own if you live better other jivan spirituality mukti moksha, moksho So there are other ways to actually consolidate the distraction or deviation of energy. और भी दूसरे तरीके हैं that our ancestors actually found out. So let's see. If you go to a tribal region, अगर आप एक वन प्रदेश में जाते हैं जंगल में जाते हैं ना तो वहां पे आपको आ, लोग मिलेंगे हु इन जंगल पीपल हु लिव इन जंगल द ट्राइबल्स ऐसे लोग मिलेंगे ना वन वासी वन वासी मिलेंगे सो इफ यू ऑब्जर्व देयर लाइफ अगर उनका जीवन आप देखते हैं फॉर एवरी मोर्सल ऑफ फूड छोटा सा थोड़ा भोजन अपने जीवन में थोड़े भोजन के लिए जस्ट फॉर अ लिटिल फूड दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड उनको बहुत मेहनत करना पड़ता यू पीपल हैव अच ईजी लाइफ इज इंट इट कंपेरेटिवली आपका जीवन तो उनसे बहुत आसान है है ना बट वट यू ऑब्जर्व इन द इवनिंग शाम को क्या ऑब्जर्व करेंगे दे ऑल गेट टूगेदर एंड डांस दे लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट दे लाइफ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट but in the evening they get together and dance you have a luxurious life if you compare your life with them but the dance is out of your life jeevan ka anand the happiness of life is not there

in there were earlier homes where in the evening they used to do bhajan they used to sing bhajan in temples also you'll see in the evening bhajan happens kirtan happens that is another method to consolidate the energy Now that has taken a different form of using some kind of entertainment. Because when you are feeling light and happy, your energy consolidates. The only problem is you should be doing something, you should be in action. watching and watching television and becoming happy are you doing any action you are not using your body you are not controlling your mind so basically you are not controlling your body and mind at all you are not using your body and mind at all so activity ऑल्सो डिवेट्स योर एनर्जी बट अ कंट्रोल्ड एक्टिविटी ऑल्सो कंसोलिडेट योर एनर्जी कोई भी काम आपके ऊर्जा को बिखराव भी लाता है उसके अंदर और कोई काम जो अलग तरीके से किया जाए तो वो आपकी ऊर्जा को इकट्ठा भी करता है सेम एक्शन हैजू डिफरेंट साइड बिकॉज लाइफ द नेचर ऑफ लाइफ इज लाइक दैट लाइफ हैज ऑलवेज हैज टू पार्ट टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन एक्शन क्रिएट्स करना एक्शन ब्रेक्स करना द ओनली की चाबी जो है वो किसमें है द कीज हाउ यू डूइंग इट कैसे आप कर रहे हैं कुंभक कैन ब्रेन एक्चुअली कैन क्रिएट पेन ऑल्सो एंड कुंभक कैन टेक योर पेन ऑफ ऑल्सो द ओनली क्वेश्चन इज हाउ यू डूइंग इट आर यू सेलिब्रेटिंग योर कुंभक प्रैक्टिस और यू जस्ट हैव टू फिनिश इट ऑफ क्या आप अपने कुंभक को उत्सव की तरह कर रहे हैं कि आपको केवल फटाफट करके आगे काम करना है उमबक कैसे करना है द प्रॉब्लम इज वी वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स है ना वी वॉन्ट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स बहुत चीजें सीखनी बहुत काम करना बट आफ्टर डूइंग ऑल दो थिंग्स इन यूर लाइफ वेयर विल यू रीच इतना काम करके कहा पहुंचेंगे आप? आप एक काउंटर पे खड़े हैं इट्स अ डेथ काउंटर यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर नंबर एंड इन द मीन वाइल देर इज अ देर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लिव लाइफ बट यू वॉन्ट टू रीच द काउंटर फास्ट वाय यू डूइंग इट एक मृत्यु का काउंटर लगा हुआ है और आप लाइन में लगे हुए हैं वहीं पे पहुंचना है और बीच में एक मौका है कि आप खूब अनुभव करें जीवन को लेकिन जल्दबाजी करके कहा पहुंचना चाहते हैं एवरीबडी विल रीच दे यू डोन्ट हैव टू शूट पीपल टू किल दम आपको गोली नहीं मारनी पड़ती किसी को मारने के लिए थोड़ा वेट कर लो जस्ट वेट अ लिटल नहीं सो वेन कृष्ण से अधिकारस्ते मा फलेशन कृष्ण से आपके अधिकार में योर राइट इज डूइंग एक्शन वॉट हैपन्स इज नॉट योर राइट सो डोंट थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन थिंक अबाउट हाउ यू लिव लाइफ नहीं नहीं मेरे साथ तो बहुत परेशानी है ये है वो है सो so

he wants to do the right kind of work successful what is missing even then if the person is not successful what is missing so if you understand this you'll open up a very big secret of life आंसर लॉड ऑफ थिंग्स नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ मच मनी अ पर्सन हैज मेड बट इन टर्म्स ऑफ हाउ मच हेल्थ अ पर्सन है सक्सेस आपका शारीरिक क्षमता हेल्थ आपकी मानसिक क्षमता इंटेलिजेंस आपकी वित्तीय क्षमता मनी पावर एवरीथिंग कम्स अंडर सक्सेस सभी तो सक्सेस के अंडर में ही है एंड डिफरेंट पीपल आर एबल टू अचीव डिफरेंट थिंग्स एंड मेनी पीपल आर नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग थिंग वॉट इज मिसिंग आई एम ईटिंग सात्विक फूड आपका क्वेश्चन भी है ना होता है ना ऐसा I've never killed an animal. No non-vegetarian. घर का खाना खाते हैं always homemade food. हम तो कथा प्रवचन सब सुनते हैं For small things we go to the doctor. I have taken all the vaccination. <laughs> Why? I have so many problems. So, where is the key? What's the key?

Who established puri in पूरी south? Adi साउथ आदिशंकर So he was traveling with his uh, disciples अपने शिष्यों के साथ में वो travel कर रहे थे थोड़ा क्वेश्चन बाद में लेंगे विल टेक क्वेश्चन लेटर on हम huh?

जहां दारू बनती है ना वेर एल्कोहल गेट्स मेड एल्कोहल प्रोडक्शन हैपन्स है ना दारू जहां बनता है तो ऐसी जगह पे ब्री उसके नजदीक गुजर रहे थे एंड देर वॉज जस्ट दैट एरिया एंड नथिंग दे आज की वेरी कैन वी गेट अ विलेज समवेयर कहीं पे एक गाँव है तो नो नो इट्स फार अवे डे आधा दिन चलना पड़ेगा तब जाके गांव आएगा शो सो आदि शंकराचार्य आज वोट यू हैव टू ड्रिंक ही से जस्ट हैल्कोहल तो दारू की एक बोतल उठाते हैं हिपिक्ला वन बॉटल एंड ड्रैंक द होल बॉटल फुल्स थॉट ओके वेन आर गुरु इज ड्रिंकिंग एल्कोहल ड्रिंक एल्कोहल हमारे गुरु जब पी रहे हैं तो हमको तो पी सकते हैं तो वो पानी मिला मिला के दे एंजॉइड एल्कोहल थ्रू आउट द नाइट नेक्स्ट डे अगेन दे वॉक्ड एंड रीच द प्लेस विच वॉज अ विज ऑफ बुच्चर्स हाँ जितने बुच्चर्स हैं जो जानवरों को काटते हैं उनका गांव था एंड देवर हंग्री सो शंकराचार्य आस्ट वट यू हैव फॉर मील आपके पास भोजन के लिए क्या है वो कहते हैं ये मानसी है और तो कुछ भी नहीं है मीट so, Okay, third day, they were passing through a village. The village was the village of Ironsmith, Luharam ka gaon And there was molten iron. So Shankaracharya stopped and asked for a glass of molten iron. पिघला हुआ लोहा मांगा और पी गए एंड देन स्टेप असाइड और साइड में हट गए कि एक एक शिष्य आएगा और पिघला हुआ लोहा पिएगा <laughs> कि एवरी डिसिपल वुड कम एंड ड्रिंक मॉल्टन आयरन बट नो बडी कोई शिष्य आया ही नहीं एंड ही वॉज वेटिंग Then he said, "Why aren't you coming? आ क्यों नहीं रहे? Come, have a glass of molten iron." And all the disciples said, "We can't do that. We'll die. हम नहीं कर सकते ऐसा. हम मर जाएंगे." Then Shankaracharya said. Why didn't you think this when you were drinking alcohol or eating meat? Why didn't you think that? Why do you think your body will be able to take alcohol or non vegetarian? Maybe you may not see the immediate impact of those. बट अल्टीमेटली इट विल टेक यू इट विल गेट यू आखिरकार इमीडिएटली तो आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं मगर थोड़े लंबे समय में तो आपका शरीर खराब होगा सो द लेसन वॉज यू शुड नॉट डू वॉट अदर पीपुल आर डूइंग लुक एट योर बॉडी वॉट इट कैन टेक वॉट इट कांट हाउ योर बॉडी बिहेव कैसा आपका शरीर फील करता है किसी चीज का भोजन करने के बाद में क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है आपने जब भी भोजन किया तो क्या आपने ऑब्जर्व किया हाउ योर बॉडी इज बिहेविंग एंड फीलिंग आफ्टर द फूड नहीं नहीं आपको डॉक्टर ने कुछ बोल दिया सम सम डॉक्टर सेड समथिंग एंड यू फॉलोड सम डाइटिशियन सेड समथिंग एंड यू फॉलोड आपने गूगल में टाइप करके यूट्यूब देख लिया और फिर उस हिसाब से भोजन करने लग गए यू आर आस्किंग डिफरेंट पीपल वॉट योर बॉडी वॉन्ट्स दिस इज कॉल्ड एज प्रज्ञा अपराध यू हैव गॉन अगेंस्ट द नेचर ऑफ योर बॉडी एंड इट विल गेट इन टू सम ऑफ डिफिकल्टी एंड डिजीज जब भी आप शरीर की प्रकृति के विरुद्ध में चले जाते हैं तो आपको बीमारी होगी और हम सभी आज के युग में प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं वी आर क्रिमिनल We are aparadhi, we are criminal. We are doing criminal acts and still we think we'll remain healthy. Humans have never, never done this kind of a criminal act. They have destroyed the body to such an extent that the genome has deviated. शरीर को इतना डिस्ट्रॉय कर चुके हैं कि हमारा जो जीनोम है, जेनेटिक्स है वो बदल चुका है बचपन से इस शरीर को हमने कुछ भी नहीं करने दिया वी नेवर अलाउड दिस बॉडी टू डू एनी थिंग वेन इट क्रिएटेड फीवर टू किल अ बैक्टीरिया वायरस इन साइड द बॉडी वी ब्रॉट डाउन द फीवर बाय टेकिंग सम पैरासिटोमोल डोलो क्रोसिन वेन इट वॉन्टेड टू प्यूक वी स्टॉप्ड द प्यूकिंग वी स्टॉप द वॉमिटिंग जब ये उल्टी करना चाहता था तो उल्टी बंद कर दिया

तो हमने पेन किलर खा लिया जब वेन एवर शुगर और ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन आर ब्लड वी ब्रॉट इट डाउन वेन एवर द ब्लड प्रेशर विच इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिजम ऑफ योर बॉडी ब्लड का प्रेशर जब भी बढ़ा तो हमने इसको नीचे खींच लिया कोई भी शरीर में चीज हमने कम देखी उसको इंजेक्ट करके या फिर बाहर से खाके उसको पूरा करने की कोशिश की वी स्टार्ट टेकिंग विटामिन टेकिंग कैल्शियम एंड वॉट नॉट आयरन टैबलेट्स एंड वॉट नॉट बट वी नेवर at the द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी टू कीप those इन बैलेंस उसको हमने कभी भी नहीं बढ़ाया The homeostasis, the strength of homeostasis, the strength of regeneration, the strength of metabolism, the strength of immunity, the strength of keeping the body in a balanced state. So, stopping this body. is like a torture for your body. Stopping this body to do any function is a torture to the body. शरीर का कोई कामकाज रोक देना या जबरदस्ती चला देना एक torture है तो प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं I don't know what will be the English version of प्रज्ञा अपराध प्रज्ञा fundamentally means uh, uh, it is closer to awareness if you mix awareness and consciousness together <laughs> it is like pragna the sense of basically life going against the sense of life is pragna aparadha every animal has a sense of life yes or no nobody goes to a school to learn how to live what to eat what to do but they live a healthy life no animal dies of hunger it's for it is just human being just to put a little Food on the plate, they have to do so many years of training. We have gone against the nature of life. We have gone against the nature of life. This is prajna pradha. If you do prajna pradha, health will be far-fetched. God difficult ho health.

तो पहला प्रिंसिपल क्या है हेल्थ के लिए भोजन तब करें जब आप बहुत भूखे हों वेन यू ईट ओनली वेन यू आर वेरी हंग्री दूसरा प्रिंसिपल क्या व्हाट इज द सेकेंड प्रिंसिपल यू शुड वेन यू टॉक अबाउट डाइट फूड यू शुड टॉक अबाउट टेस्ट नॉट प्रोटीन मिनरल विटामिन आप जब भोजन के बारे में बात करें तो यू शुड टॉक इन टर्म्स ऑफ टेस्ट आपको स्वाद के टर्म्स में बात करना चाहिए सो व्हाट टेस्ट योर बॉडी इज डिमांडिंग आपका शरीर कौन सा स्वाद मांग रहा है तेरा सिक्स बेसिक टेस्ट छह टेस्ट हैं मधुर लवण, कटु तिक्त कषाय मधुर स्वीट आम्ल अम्ल को क्या बोलेंगे खट्टा खट्टा क्या बोलेंगे पंजेंट पंजंट बोलते हैं क्या बोलते हैं टेस्ट को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे लवण सार सार सो स्वीट सार सॉल्टी कटु स्पाइसी तिक्त बिटर कषाय कषाय शायद पंजेंट होगा एस्ट्रिंग सॉरी एस्ट्रंज यस एस्ट्रंज सो मधुर Amla lavani katu tikta kashaya is a sequence in which you should actually eat food. So traditionally, we would eat sweet first. But across the globe, you will eat sweet in the end. You are going against. the sense of life. The whole food industry is making people sick. ये पूरा भोजन का जो industry है वो लोगों को बीमार कर रहा है So whom to ask? Ask your body. अपने शरीर से पूछे When you talk about diet and food, talk in terms of taste. जब आप भोजन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप स्वाद को लेके बात कर मगर स्वाद कौन सा इफ यू वॉन्ट टू ईट स्वीट वॉट स्वीट विथ चॉकलेट विथ स्वीट विच मिठाई अरे नहीं बाबा वेन यू टॉक अबाउट स्वीट इट इज स्वीट फ्रूट इन नेचर सो टॉक अबाउट टेस्ट At the same time, talk about stuff that taste which happens in nature. Prakriti nevo taste sora. So go towards nature because you are designed by nature. So third formula, third sutra. The more you cut off yourself from nature. the more disease your body will get into. जितना आप प्रकृति से अपने आप को अलग करेंगे उतनी बीमारी हो जाएगी आपके शरीर में so whenever you have time, try to go in nature. Try to have stuff which is fresh in nature or प्रकृति में पेड़ पे लगा हुआ फल और आप खा रहे हैं उसके बीच में टाइम कम कर दो द हार्वेस्ट एंड द स्टफ ऑन योर प्लेट द टाइम बिटवीन दोज टू थिंग्स हार्वेस्ट एंड कुकिंग शुड कम डाउन वो कम हो जाना चाहिए ठीक है ना हील कैसे होना है सारी रामायण बोल दी आप पूछ रहे हो राम के पिता कौन थे ये सारी रामायण हील कैसे होना है? वही तो चल रहा है ना एवरीथिंग आई एम टॉकिंग इज हाउ टू हील योर सेल्फ आई एम एम टॉकिंग एनीथिंग एल्स क्या कोई भी और चीज मैं बोल रहा हूं एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं आपकी समझदारी थोड़ी कम है यू एजुकेटेड पीपल हैव लेस इंटेलिजेंस तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई साइड में रखो ना यूज योर विजडम आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू हील योर सेल्फ ये सूत्र वही तो बता रहा हूं हाउ टू हील योर सेल्फ एंड इट इंकोपरेट्स एवरीथिंग

उतना आपको ज्यादा प्राण मिलेगा सो इफ यू टॉक अबाउट फूड इन टर्म्स ऑफ नौरिशमेंट टॉक इन टर्म्स ऑफ प्राण इट इज नॉट जस्ट न्यूट्रिशन दैट विल हेल्प यू न्यूट्रिशन आपको हेल्प नहीं करेगा वे ईटिंग मोर न्यूट्रिशन देन आर एनसिस्टर्स वुड हैव एन और टेकन थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हमारे पूर्वज जितना न्यूट्रिशन लेते थे उससे कहीं ज्यादा न्यूट्रिशन ले रहे हैं और हम ज्यादा बीमार हो रहे हैं सो वी आर मिसिंग अ पॉइंट वी आर मिसिंग अ पॉइंट हम मिस क्या कर रहे हैं हमें प्राण चाहिए हम न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं वी नीड प्राण टू लिव अ बेटर लाइफ बट वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन

In fact, you can also recreate prana in your food. So, having fresh milk was a method to compensate the loss of prana. Fresh milk, it is not just about lactase and whatnot, what other things that you get in milk. It is not about that. दूध की बात हम केवल उसके लिए नहीं कर रहे कि इसके अंदर न्यूट्रिशन है नहीं 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 द मोमेंट मिल्क इज टेकन और यू गेट मिल्क फ्रॉम अ काउ इट इट इज जस्ट फुल ऑफ प्राण द मोमेंट यू बॉइल इट एंड देन प्रोसेस इट द प्राण इज गॉन इसीलिए फ्रेश मिल्क वॉज अ वे टू कॉम्पनसेट द प्राण और स्प्राउटिंग स्प्राउटिंग समथिंग इज अ वे टू कॉम्पनसेट प्राण बिकॉज द मोमेंट स्प्राउट द सीड अगेन इज बबलिंग विथ प्राण जैसे ही आप किसी को अंकुरित करेंगे उसमें प्राण तत्व आ जाएगा So if you just sprout your wheat and dry it and make a make flour out of it and eat fresh, you will get more prana. Or in or incorporate some sprouts, a little sprout in your diet. Other sprout sodas are to be prana jaye. Soaking something in water is also a way to uh, activate the prana.

बट इट नॉट हैपन ओवरनाइट जब भी आप डाइट की बात करते हैं तो ये एक दिन में नहीं होता यू लैव टू डू इट फॉर मंथ एंड यहां महीनों और सालों ये करना पड़ता सो द क्विकेस्ट मेथड इज कुंभक द मोमेंट यू डू कुंभक यू फील मोर एनर्जी वॉट इज द क्विकेस्ट मेथड कुंभक देर इज नो ऑप्शन फॉर कुंभक देन यू कैन यूज दीज सूत्र हाउ टू हील योर सेल्फ

कि वो नाच रहे हैं गीत गा रहे हैं डांस कर रहे हैं जब मैं ये बोल रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट कंसोलिडेशन ऑफ योर एनर्जी एंड क्रिएटिंग अ रिदम इन योर लाइफ अपने जीवन में एक लय बनाना वॉट इज इरिटेशन टेल मी वॉट इज इरिटेशन इरिटेशन क्या होता है वेन समथिंग इज नॉट इन रिदम कोई अगर चीज लय में नहीं है इट इज इरिटेंट कोई इंसान ऊट पटांग बातें कर रहा है तो आप इरिटेट होंगे इफ समबडी इज टॉकिंग समथिंग विच इज नॉट इन एनी रिदम यू विल गेट इरिटेटेड विल यू गेट इरिटेटेड इज समबड़ी सिंगिंग कोई गीत गा रहा है तो क्या आप इरिटेट होंगे परेशान होंगे उससे आप कभी परेशान नहीं होंगे तो इरिटेंट इफ योर फंक्शन इन साइड द बॉडी द फंक्शन इन साइड द बॉडी इज नॉट इन रिदम योर बॉडी विल बी इरिटेटेड फ्रॉम विद इन येस और नो देन इट क्रिएट्स इन्फ्लमेशन तब ये अंदर से इन्फ्लमेशन क्रिएट करता है ज्वलनशीलता क्रिएट करता है वेन यू से यूरिक एसिड आजकल सबके अंदर यूरिक एसिड है आर्थराइटिस पीपुल हैव यूरिक एसिड प्रॉब्लम येस आर नो एवरीबडी विल हैव यूरिक एसिड प्रॉब्लम ओनली देन The person gets yes, yes, or high hojata. What does that mean? I'm telling you the root bata raha Is there a medicine for uric acid? Actually, there is no medicine for it. Your body can take control of uric acid. But why uric acid is high? देर आर टू थिंग्स वन थिंग आई टोल्ड यू एक चीज मैंने बता दिया अगर आप इरिटेशन आपके बॉडी के अंदर है ईज नहीं है आराम नहीं है लय नहीं है रिदम नहीं है इफ य बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग इन रिदम इट विल क्रिएट यूरिक एसिड मोड एक बार आप कम कर भी देंगे डिटॉक्स करवा लेंगे इटव अगेन कम बैक इवन इफ यू डू डिटॉक्स इट अगेन कम बैक फिर वापस हो जाएगा और दूसरा पक्ष यूरिक एसिड एंड द फ्रेशनेस ऑफ योर फूड इज डायरेक्टली को रिलेटेड द मोर प्राण तत्व इज देयर इन योर बॉडी द लेस यूरिक एसिड इट विल क्रिएट जितना प्रोसेस्ड फूड होगा The more processed the food is, the more uric acid it will create. Because the body think, your body thinks it is not food. Your body understands food in terms of freshness, in terms of more pranic content. So if you process the food, see, pizza is not bad. Pizza is not bad. But the cheese that you put as a topping on that bread, it doesn't have any prana. But that helps you to gulp it down faster. Cheese you don't even have to chew it because it is already digested. So, it doesn't have any pranic value. That is why you will have to compensate it with some pranic content. So, where in India there are places which is desert, desert, Haan, dekho, desert khane ko mana karte because wherever there is a bulk production of things, लॉट ऑफ कलरिंग एजेंट लॉट ऑफ केमिकल्स आर यूज टू की लुक वेरी फ्रेश तो कोई भी प्रोसेस चीज तो गड़बड़ है मैस प्रोडक्शन इज अ क्रिमिनल एक्ट तो वो खाने के बजाय घर में बना लो ना क्रिएट अ मड अवन उसमें अपना गेहूं लेके अपने आटे से बना लो but then you'll have to compensate it with some pranic content so in, in desert you know you can't get anything fresh in desert you don't get anything fresh so how do they compensate the lack of prana joe desert may wo kaise compensate cup आपको मालूम है बाजरे की रोटी मक्की की रोटी साथ में घी छाछ दूध फ्रेश मिल्क सो दे कॉम्पनसेटेड थ्रू मिल्क प्रोड्यूस्ड फ्रेशली फ्रॉम एन एनिमल मे बी इट्स अ कैमल और अ का घी हैज लॉट ऑफ प्राण On one, side, on one side cheese doesn't have any prana whereas ghee has lot of prana so that is why in india in the recent history just 200 years back we would never use anything to uh, to break the milk क्या कहेंगे उसे तू कडल द मिल्क हम मिल्क को कडल नहीं करते थे कभी भी द मोमेंट यू कडल द मिल्क इट विल लूज वि है ना इमीडिएट कडल नहीं करते थे कर्ड बना मेक कर्ड आउट ऑफ इट कर्ड विल रिटेन प्राणा एंड देन यू कैन मेक घी आउट ऑफ इट घी विल रिटेन लॉर्ड ऑफ प्राणा बट द मोमेंट यू डू इमिडिएटली कडल इट विथ यूजिंग सम एजेंट इट लूज तो ऐसा बहुत कुछ देख सकते हैं बट वॉट इन टर्म्स ऑफ हाउ यू लुक एट फूड हैजू चेंज भोजन को कैसे देख रहे हैं वो थोड़ा बदलना चाहिए हम ठीक है ना थोड़ा बदलना चाहिए वर्जिन कोकोनट ऑयल सब ये सब अच्छा है यू डोन्ट यूज रिफाइंड ऑयल डोंट यूज रिफाइंड ऑयल यूज कोल्ड प्रेस वुड प्रेस वर्जिन ऑल दो स्टफ है ना कोई भी रिफाइंड चीज इस्तेमाल ना करे नाव द फिफ्थ सूत्र फिफ्थ सूत्र एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो इफ यू कंबाइन डिफरेंट ह्यूमन ऑर्गन्स कैन यू क्रिएट अ ह्यूमन बीइंग अगर आप मानव शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को इकट्ठा कर लें और जोड़ दें क्या आप एक ह्यूमन बीइंग एक मानव क्रिएट कर सकते हैं नो सो लुकिंग एट ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्गन्स इन टर्म्स ऑफ स्टडीइंग अ पर्टिकुलर ऑर्गन एक ऑर्गन को स्टडी करके जो भी निष्कर्ष निकाला जा रहा है वो गलत है Whatever inferences that we are creating by studying organs is completely wrong. And the whole knowledge is going in the wrong direction, which will create more difficulty and disease in human beings. What is fundamental? Hai. To what integrates human beings? एक इंसान बहुत कुछ करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है और एक इंसान बहुत थोड़ा करने के बाद में सक्सेसफुल हो रहा है व्हाट इज मिसिंग द वर्ड विच हैज फाउंड डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट पीपल हैव डिस्क्राइब इट इन डिफरेंट वेज मे बी

एनर्जी है उसको हम पुण्य कहते हैं वेन नथिंग विल वर्क फॉर यू ओनली पुण्य विल वर्क सो व्हाट इज दैट पुण्य सो व्हाट इज दैट पुण्य पुण्य फंडामेंटली मीन्स थ्रेड एंड एनर्जी विच एक्चुअली इंटीग्रेट यू विद द प्रोसेस ऑफ दिस यूनिवर्स एक ऐसी चीज जो आपको ब्रह्मांड के नियम के साथ में जोड़ देता है तो कोई कुछ, कुछ भी करके इंसान आज हेल्थ नहीं क्रिएट कर पा रहा ह्यूमंस आर नॉट एबल टू क्रिएट हेल्थ बाय डूइंग व्हाट एवर द प्रॉब्लम इज द बैंक ऑफ पुण्य इज डेप्रिशिएटिंग वेरी फास्ट बिकॉज वी आर डूइंग प्रज्ञा अपराध हम जीवन के नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं और हमारा पुण्य बहुत तेजी से गिर रहा है अपराधी का तो पुण्य गिरेगा ही ना। तो लेट मी टेल यू कितना भी कुछ कर लो व्हाट एवर यू डू वी विल नॉट बी एबल टू क्रिएट हेल्थ इफ यू डू नॉट रिप्लेनिश द पुण्य अगर उस पुण्य को आप रिप्लनिश नहीं करोगे तो आप कोई भी हेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते कुछ भी कर लो टेक्नोलॉजी कितना भी बढ़ा लो वॉट एवर टेक्नोलॉजी हैपन्स वी विल फर्दर गो डाउन एंड डाउन एंड डाउन बच्चे बच्चे बीमार हो जाएंगे पुण्य इज नॉट स्पिरिचुअल मेरिट So what I am saying is we should not, we will not talk about spirituality. Adhyatma ki hum baat hi nahi karenge. Punya is basically association energy, associative energy with the process of universe. Kya is the process of universe happening inside you? Kya aapke ब्रह्मांड काम कर रहा है आपके अंदर कर रहा है सो यू आर नॉट डिसोसिएटेड विद द यूनिवर्स बट हाउ डू यू डिसोसिएट देर इज टू मच ऑफ आई मैं ज्यादा हो जाएगा तो इट विल डिसकनेक्ट यू विद द प्रोसेस ऑफ लाइफ बिकॉज देन यू विल थिंक अबाउट योर आइडिया इन टर्म्स ऑफ योर आइडिया नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉट इज हैपनिंग तब आप नकली चीजें करेंगे ना बिहेवियर यू यूल फीलिंग समथिंग एल्स इन बिहेव डिफरेंटली इट तो सिविलाइजेशन इज अ कल्प्रिट विच इज दिस और विच इज लोअरिंग डाउन द अमाउंट ऑफ पुण्य इन ह्यूमन बींग्स द बिगेस्ट कल्प्रेट इज सिविलाइजेशन बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर चम्मच कहाँ होना चाहिए छुरी कहाँ होना चाहिए कौन से कपड़े पहनने चाहिए आपको भोजन में कौन से कपड़े आपको पहनने चाहिए काम पे जाने के लिए दिस होल वेस्ट हु हैज डोमिनेटेड द वर्ल्ड इन द लास्ट फोर हंड्रेड इयर्स दे हैव क्रिएटेड जस्ट आइडियाज एंडिस असोसिएटेड पीपल फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड डिसक्रेडिटेड द पुण्य एजुकेशन इज द कल्प इट मेरे पास प्रूफ है आप इसके खिलाफ में मेरे साथ में बात करके देखू लॉजिकली मुझे डिफीट करके दिखा दो आई हैव प्रूफ यू ऑल्सो नो इट आप भी जानते हैं सारी बीमारी दुनिया में बढ़ रही है Nothing is going down. The more you use your logic, the more you will disconnect yourself from the process of life. So you will have to balance it with celebration. You will have to balance logic with celebration. There is no other option. You will have to स लॉजिक विथ शरणागति yourself. ये सब बात आपको किया कि नहीं ये सब बात बताया ही है आपको ना इन द प्रीवियस लेक्चर टोल्ड यू दिस किसी और को जीवन में अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाए मेक समबड़ी मोर इंपॉर्टेंट देन यू योर सेल्फ इन योर लाइफ तभी पुण्य मिलेगा सेवा करो लेकिन सेवा वर्ड हैज बिकम सो करप्ट वी हैव मेड इट करप्ट सेवा साधना सत्संग इज अ फॉर्मूला टू इंक्रीज पुण्य मेक सम समबडी मोर इंपॉर्टेंट बी सेंसिटिव टू लाइफ इट शुड नॉट बी वॉट इज इन इट फॉर मी हर समय ये मत सोचो मेरे लिए क्या है इसमें मेरा क्या फायदा होगा हाउ इट बेनिफिट मी मेरा क्या फायदा होगा इतना फायदा देख देख के तो इतना नुकसान हो गया आज भी पूछते हो इसका फायदा क्या होने वाला है किसी का कुछ फायदा नहीं हुआ आपको सारे अंग्रेजों ने आपको बरगला दिया बर्बाद कर दिया है ये पैरासिटामोल खाओ देखो कितना फायदा होता है फीवर डाउन हो जाता है और आप बीमार हो गए

आप जीवन को सर्व करो बिकम मोर कंसर्न अबाउट एवरी काइंड ऑफ लाइफ अराउंड यू एक पक्षी है अ बर्ड एन एनिमल समबड़ी एल्स नो बडी कि अपना सारा पैसा किसी को दे दो ऐसा कोई नहीं बोल रहा बिकम मोर सेंसिटिव टू लाइफ सो दिस इज कॉल्ड अ सेवा बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू लाइफ इतना आपको सेंसिटिव होना चाहिए कि किसी को भूखा नहीं देख सकते इसको भोजन करा सक, कराना है किसी को आप प्यासा नहीं देख सकते किसी को पानी पिला दिया कोई प्यासा है तो जब जरूरत पड़ी जहां पे वैसा काम किया किसी को गोली मारना भी पुण्य होता है मालूम है ना सो so, युद्ध भी पुण्य है जब ये जीवन की सेंसिटिविटी से आता है डोंट थिंक थिंक अहिंसा भारतीय कल्चर में देर इज नोवेर अहिंसा इवन बुद्ध यूज टू टीच द किंग्स हाउ टू फाइट हाउ टू बी मोर इंक्रीज द वैलर अगर किसी गलत इंसान को मारना है तो वो भी तो अच्छी बात हुई ना वो भी तो पुण्य हुआ सो योर आइडिया आप अपने आइडिया छोड़िए बिकम बिकम मोर सेंसिटिव टू लाइफ दैट इज कॉल्ड अ सेवा बिकमिंग सेंसिटिव टू लाइफ इज सेवा बिकम सेंसिटिव टू योर लाइफ ऑल्सो यू विल बिकम हेल्दी अपने जीवन के प्रति भी तो सेंसिटिव हो जाए नहीं सो वॉट यू हैव टू ईट क्या भोजन करना है आपको <laughs> कौन सा स्वाद करना है जो आपका शरीर डिमांड कर रहा है बिकम मोर सेंसिटिव टू लाइफ सो इट इज नॉट अबाउट सात्विक सात्विक राजसिक तामसिक ये सब नहीं सोचना आप लोगों को तामसिक चाहिए ज्यादा नहीं तो बीमार हो जाएंगे कई लोगों को राजसिक चाहिए बिकॉज दे वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन देयर लाइफ उनको राजसिक चाहिए So it is again an idea. सात्विक खाओ सात्विक खाओ कितना सात्विक खा के बीमार पड़े हुए लोग कैंसर हुआ पड़ा उन सबको पीपल हुत्विक फूड थ्रू आउट देर लाइफ दे आर कैंसर स्टिल यू आर नॉट गेटिंग मी अभी भी आप नहीं समझ रहे मुझे टू मच ऑफ एजुकेशन कैन डू दिस Become sensitive to life. If your body is demanding, I want to eat something very spicy. Please do that, because that is your medicine. अगर बहुत तीखा खाने का मन हो, तो तीखा खाओ ना। Dry region में बहुत तीखा खाने का मन करता, because the body demands lot of water. So it also demands spicy food. So in Rajasthan, you will see people eating red chilli chutney with their bajre ki roti. It creates thirst and you will drink a lot of water. Lot water is again a simple way to replenish prana in your body. If it is non-RO water, ground water. ग्राउंड वाटर अगर बहुत नीचे से निकला हो तो उसमें बहुत प्राण होता है आर से उसका सारा गड़बड़ हो जाता है पाइप से फ्लो करने में प्राण खत्म हो जाता ऑलवेज कीप वाटर फॉर एटलीस्ट फोर एंड हाफ आवर इन सम मेटल किसी मेटल में रखो कॉपर ब्रॉन्ज किसी मेटल में रखो स्टील भी चलेगा अगर कुछ नहीं है तो राइट right, तो sweet again eating sweet is not bad who said eating sweet is bad but you are eating mitai or chocolate it is processed eating processed stuff is bad but eating a watermelon is it bad no it is good so have as much of as much watermelon as you want <laughs> <laughs> tamasik, yes, there are a lot of stuff which is tamasic and that creates health. tamsik also creates health. in fact, tamsik binds you with the earth. am a otherwise, i'll keep speaking. Diya na. if i keep on going like this, i can talk and talk and talk and you'll go nowhere. you'll get nothing. तो अभी इसी को हजम कर लो तमस इज दैट एस्पेक्ट विच बाइंड यू विथ अर्थ तमस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट लाइफ द डे तमस गोज आउट ऑफ योर सिस्टम योर बॉडी विल बिकम वीक यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड बॉडी इट विल बिकम डिजीज

इन पीपल इट हैपन्स कुछ लोगों में कुंडलिनी जागरण जिसको आप बोल रहे हैं वो अपने आप ही हो जाता है बट द मोमेंट इट है दो तरीके से समझोगे और तीन तरीके से समझना है तो वो भी समझ सकते हैं जब ऊर्जा रुक गई है पर तीन से नहीं दो से समझे अंडरस्टैंड लाइफ इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्शन एनर्जी गोइंग डाउन एनर्जी गोइंग अप दो तरीके से समझो एनर्जी गोइंग डाउन दैट मीन्स यू हैव लॉट ऑफ टमस इन यू आपके अंदर तमस है दैट यू विल लिव प्रॉपर लाइफ यू वॉन्ट लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सपीरियंस और यू टू एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल वेन द एनर्जी इज गोइंग डाउन वेन द एनर्जी स्टार्ट गोइंग अप यू स्टार्ट लूजिंग होल्ड ओवर योर बॉडी द लाइफ जेनरेटिंग प्रोसेस बिकम्स वी कैन यू क्योंकि अब मुक्ति की तरफ जा रहा है गोइंग अप इज मुक्ति मोक्ष गोइंग डाउन इज लाइफ जीवन जीवन ऊर्जा जब नीचे आ रही है तब जीवन वॉट इज शिव शिव इज तमस

इट इज जस्ट हाउ योर एनर्जी इन वॉट डायरेक्शन द एनर्जी इज मूविंग तो आप जब जीवन में हो तो शिव इज हाई शिव एलिमेंट इज हाई न्यू द मोमेंट यू मूव टू व स्पिरिचुअलिटी सदा शिव बिकम्स हाई न्यू तो जब आप जीवन में हो तो सहित कुंभक आपका जीवन बना रहा है जब जीवन से निकल रहे हैं तो कैवल्य कुंभक इस कैवल्य कुंभक तमस आपको बांध के रखता है तमस आपको बांध के रखता है बट वॉट शुड यू ईट डजेंट डिपेंड अपॉन यू शुड ईट तमस तामसिक फूड और राजसिक फूड और सात्विक वॉट यवर यू बॉडी इज डिमांडिंग दैट इज गुड फॉर यू घूम फिर के सूत्र एक ही है देर इज ओनली वन सूत्र सो वॉट योर बॉडी डिमांड्स देखो थोड़ा बहुत डिमांड करेगा तो यू शुड नॉट फुलफिल दैट बट वेन इट इज डिमांडिंग एग्रेसिवली कॉन्स्टेंटली दैट मीन्स दैट इज योअर मेडिसिन वो आपको चाहिए तो कभी This is bad, that is good. Come out of this idea. Tamas is not bad. Rajas is not good. Tamas is good. Sattva is good. Rajas is good. In different situation, you need different combination or different stuff. Alagalak alagalak इसीलिए कुंभक जब हम कस्टमाइज करते हैं तो इट गिव्स यू दैट किक ऑफ़ डिफरेंट नीड आपको जो चाहिए वो हम उसमें देते हैं तो जब भी शरीर की ऊर्जा ऊपर उठने लग जाएगी होल ऑफ द बॉडी विल बिकम लेस द बॉडी विल स्टार्ट बिकमिंग वीक तो ऑल दो ग्रेट पीपल एक्चुअली डाइड ऑफ लॉट ऑफ डिजीज डू यू नो हाउ रामकृष्ण परमहंस डाइड With a stomach cancer. Do you know how Maharshi Raman died? With multiple cancer. So Kundalini Jagran is not good. अच्छा है कि जो भी स्पिरिचुअलिटी है वहां कुछ भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है ऑल दो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन दैम इट इज गुड ऑल दो योगा योगा पीपल नॉट हैव एनी इन इट इज गुड नहीं तो आप सबका शरीर और खराब हो जाएगा अच्छा है योगा में योगा नहीं है इट इज जस्ट अ लिटिल एक्सरसाइज अच्छा है स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में स्पिरिचुअलिटी नहीं है इट इज गुड फॉर यू कुंडलिनी जागरण अपने आप हो गया इट इज वेरी बैड नॉट गुड तो उस इंसान को कुंभक जरूर करना चाहिए मगर उसको अलग तरीके का कुंभक देना पड़ेगा क्योंकि तभी आप होल्ड कर पाएंगे अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू होल्ड फॉर मी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड दिस बॉडी डू नो दिस इट इज बिकॉज ऑफ कुंभक आई एम होल्डिंग इट तो अपना ये आइडियाज छोड़ दीजिए बिकम मोर सेंसिटिव टू लाइफ देर इज नथिंग कॉल्ड एज राइट एंड रॉन्ग इन लाइफ कोई भी सही और गलत चीज नहीं होती जीवन में जीवन की अपनी नीड है अपनी दरकार है देर आर नीड्स देर आर प्रोसेसेस देर आर देर इज अ फॉर्मुला देर इज अ मॉडल ऑफ लाइफ अगर उसको थोड़ा समझेंगे तो आप और अच्छा जी पाएंगे सो ऑल दो पीपल जितने भी आर्थरा रूमिटाइड पीपल उनको अपने अंदर एक खुशी क्रिएट कर, करके रखना चाहिए एंड यू कैन डू दैट इज इंट इट स्माइल कर सकते हो क्या इतना लेक्चर के बाद भी कैन यू स्माइल आफ्टर सच अ लॉन्ग लेक्चर यू कैन स्माइल यू कैन स्माइल दैट मीन्स यू आर स्टिल इन कंट्रोल यस ट्राई टू कीप दैट लिटिल हैपीनेस विद इन यू एंड यू कैन डू इट विदाउट एनी रीजन बिना कारण के आप खुश हो सकते हैं खुश होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए दुखी होने के लिए बहुत कुछ चाहिए खुश होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए यू डोंट नीड एनीथिंग टू बी हैप्पी यू नीड अ लॉट टू बी सैड तो जितना थोड़ा सा नाचो थोड़ा सा गाओ जस्ट डू एवरीथिंग नाइसली एंड यू कैन डू दैट इज इट इफ यू आर सिटिंग बी हैप्पी इफ यू आर स्टैंडिंग बी हैप्पी इफ यू आर वॉकिंग बी हैप्पी

टू बी हैप्पी टू एक्सपीरियंस मैक्सिमम यही समय है है ना द मोर यू बी अट एंड है मोर यू फील लाइट एंड हैप्पी विद इन योर सेल्स योर यूरिक एसिड विल कम डाउन योर नीड फॉर फूड विल कम डाउन योर मेडिसिन विल कम डाउन ट्राई टू गेट रेड ऑफ केमिकल मेडिकेशन स्लोली धीरे धीरे केमिकल दवाइयों से निकलने की कोशिश करो एटलीस्ट एक अ टारगेट ऑफ वन ईयर एक साल का टारगेट लो ना एक साल का टारगेट लो डू योर प्रैक्टिस नाइसली सुंदर से अपना कुंभक करें एंड यूल सी इन थ्री मंथ्स टाइम यू कैन रीप्लेनिश और रीप्लेस फिफ्टी परसेंट ऑफ योर केमिकल मेडिसिन विथ नैचुर तीन महीने के अंदर पचास परसेंट केमिकल मेडिसिन आपका निकल जाएगा और उसको आर्थरा मेडिसिन फॉर आर्थरा ऑल्सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो और कंसल्ट अ वैद्य वी ऑल्सो गिव द फर्स्ट वैद्य कंसल्टेंसी फ्री आप उससे हमारे से भी ले सकते हैं कहीं और भी ले सकते हैं है ना सिक्स मंथस टाइम जस्ट ड्रॉप ऑल योर केमिकल मेडिकेशन छ मंथ में केमिकल दवाइयों से निजात पा रहे निकल जाए मे बी सम पीपल माई टेक अ लिटिल लॉन्ग है ना बट यू कैन स्टार्ट रिड्यूसिंग इट यू कैन स्टार्ट रिड्यूसिंग द डोज ट्राई यू यूजिंग दैट केमिकल मेडिसिन ऑल्टरनेट डे है ना एक दिन बाद एक और इफ यू आर टेकिंग इट ट्वाइस अ डे ब्रिंग इट डाउन टू वंस अ डे एक दिन कर लो देन ड्रॉप इट टू वंस देरनेट डे एक दिन बाद एक दिन लो फिर दो दिन बाद तीन दिन बाद हफ्ते बाद ऐसे करके नीचे करो आपको भी डर नहीं लगेगा एंड वेन यू विल सी नथिंग इज हैपनिंग नथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग इन यू देन यू विल हैव द कॉन्फिडेंस उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा छोड़ने का द डे योर बॉडी doesn't get a chemical it will start regenerating it will start reviving it will start healing itself fast your medicine stops your body from healing so in one year time you come out of every medicine not even na uh, natural not even ayurvedic

बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ गुड यू आर फीलिंग इन दिस बॉडी वो किस पर डिपेंड करेगा कितना अच्छा फील कर रहे हैं इस शरीर के अंदर बट आईव टोल्ड यू यू कैन फील गुड एट दिस मोमेंट ऑल्सो डू इट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड यूल सी कुछ समय तक अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करें कुछ नाचें कुछ गाएं कुछ गाए, क्रिएटिव करो

और ये बात मेरी विश्वास करो ये सभी आप कर सकते यह मैंने किया है आई हैव डन दैट ऑन माई सेल्फ आई हैव सीन मेनी पीपल हजारों लोगों को मैंने ऐसा करवाया है यू कैन ऑल्सो डू इट आप भी कर सकते सो लेट्स हेल्प आरसेल्व एंड लेट्स हेल्प द होल वर्ल्ड दुनिया की भी मदद सबको चाहिए सबको जरूरत है इन सब चीजें को अपना कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर रखें दैट इज सेवा ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई को वी आर डूइंग वन टू वन प्रोग्राम विथ मी इन डेली सबको शायद पहुंच गया होगा कोई इन्विटेशन तो कोई आ सके अगर इफ यू आर इन डेली एनसीआर यू वांट टू कम यू कैन कम ऑल दो आई थिंक दे वी हैड अ टारगेट ऑफ थ्री हंड्रेड पीपल बट इट्स ऑलरेडी मोर देन थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फिफ्टी तो अभी हो चुका है बट इवन इफ दैट ओके क्योंकि वहां पे हमने भंडारा का भी अरेंजमेंट करवाया है पीपल कैन हैव फूड इफ यू आर इन डेली एनसीआर यू कैन कम यू कम आ सकते हैं आइए इसकॉन टेंपल ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली इसकॉन टेंपल देर इज बिग ऑडिटोरियम वहां पे ऑडिटोरियम है तो कोई आ सके तो आ सकते हैं ठीक है तो आई विल मीट वन टू वन इट्स जस्ट अ लिटल स्मॉल मीटिंग आई आई गिव अक्ष माल टू एवरीवन सभी को एक संप्राण रुद्राक्ष माला देंगे एंड डू अ लिटिलोसे कर्म दोष निवारण प्रोसेस गुरु पूर्णिमा है सो दिसर्स्ट टाइम व्यू आर डूइंग दिस एंड बिकॉज इट इज गुरु पूर्णिमा सो इट हैज अचुअल एलिमेंट अटैच ठीक है इसमें आई विल नॉट टॉक अबाउट

पुण्य सो ईधर यू गैदर पुण्य और यू अटैच योर सेल्फ विथ पुण्य ईधर अटैच योर सेल्फ विथ पुण्य भूमि पुण्य आत्मा और डू पुण्य कर्म तो तीर्थ गोइंग टू तीर्थ प्लेस प्लेसेस विच आर पुण्य भूमि इज समथिंग दैट एवरी वन कैन डू Attaching yourself with somebody who is a vehicle for the core of life. Attaching yourself with Guru. Attaching yourself with Devata. Ishta. So, this is like attaching yourself with punya atma. And doing seva is gathering Punya.

आप सभी का उद्धार हो आप सभी को एक सुंदर जीवन मिले आप सभी को हेल्थ मिले आप सभी को सक्सेस मिले आप सभी को खुशी मिले ऐसी मेरी कामना और आशीर्वाद है थैंक यू स्वामी जी नमस्कार